रक्षाबंधन की इस कथा में राजा बलि की कथा का समावेश भी हो गया है, जो कि ज्ञानवर्धक, उद्बोधनात्मक और चेतनापूर्ण है। इस कथा में आत्मसात करने योग्य जो सत्य है वो ये है कि जिस प्रकार का व्यवहार व आचरण हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार व आचरण हमें प्राप्त होता है। कुएं के समीप खड़े होकर हम जिस वाणी का उच्चारण करेंगे, उसी की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देगी। ये प्रकृति का अटूट नियम है। राजा इंद्र ने छल और कपट से राजा बलि का राजपाट हर लिया। राजा बलि व उनकी रानी विंध्यावली भूखे प्यासे वन वन भटकने को बाध्य हुए। समय की गति के कारण परिवर्तन हुआ और यही स्थिति राजा इंद्र व उनकी पत्नी शची को भोगनी पड़ी। स्वर छिन जाने के पश्चात राजा इंद्र और उनकी पत्नी शची भूख से व्याकुल होकर वन वन भटकने लगे। तब ये हमारे कैसे दुर्दिन आ गए स्वामी। होता है प्रिये, होता है। समय का चक्र कभी ऊपर कभी नीचे चलता है। हम कब इस समय से मुक्त होंगे? प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। तनु चलो, सरोवर दिखाई दे रहा है, चलो। मैं तो अब एक पग भी और आगे नहीं चल सकूंगी। थकान और प्यास से मेरा अंग अंग पीड़ित है। प्रिय, वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। हमारे पास तो कोई पात्र भी नहीं है जिसमें जल भरकर मैं ले आऊं और तुम्हें पिला दूं। तुम हृदय को थोड़ा दृढ़ करो और आओ और मेरे साथ धीरे धीरे चलो, चलो। संभाल आओ, यहां बैठो। सावधान, ये जल पीने योग्य नहीं है। क्यों? विषैला है, विषैले नागों ने इसे विषैला बना दिया है। अब क्या होगा, जल कहाँ मिलेगा? भाई, हमें कहीं से पीने योग्य जल ला दो। संपन्न परिवार के लगते हो। देखो भाई, तुम जल लाओगे तो पारिश्रमिक के रूप में मैं तुम्हें ये कंगन दूंगी। कंगन? उस दिन राजा बलि की पत्नी विंध्यावली ने भी यही कहा था। वे भटक रहे थे किंतु राजा थे, ये भी भटक रहे हैं। हो सकता है उनसे भी बड़े राजा हों। क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ, मैं ये कंगन तुम्हें दूंगी। आप दोनों कहाँ से आए हैं? स्वर्ग से। स्वर्ग से? अर्थात आप दोनों स्वर्गवासी हैं? हाँ, हाँ। ये स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र हैं और मैं इनकी पत्नी शची हूँ। इंद्र? ये राजा इंद्र हैं और आप इनकी पत्नी हैं? आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं जल लेके आता हूँ। हाँ आओ भैया, आओ आओ भैया, यहाँ बैठो। नारायण नारायण। प्रभु अब तो दया करें देवराज इंद्र पर। मैंने तो उन पर कभी अदया की ही नहीं, तो दया का प्रश्न ही कहाँ आता है। पति पत्नी दोनों घोर यंत्रणा सह रहे हैं, माता लक्ष्मी भी तो उनसे रूठ गई हैं। नारद,
तुम अपने प्रभु का पल्ला छोड़कर अब मुझ पर दोष लगा रहे हो। देवी, मैं असत्य नहीं कहता, अब तो आप भी उन पर कृपालु नहीं रही। इसमें मेरा क्या दोष है नारद? तुम्हारे प्रभु, सारी सृष्टि जिन अटूट नियमों से बंधी है, उसी से मैं भी बंधी हुई हूँ। मनुष्य जब तक चरित्रवान, धैर्यवान, गुणवान, क्षमाशील, कर्मशील और दानशील रहता है, तब तक मैं उसके समीप रहती हूँ, और जब वो इन गुणों को त्याग देता है तो मैं भी उसे त्याग देती हूँ। सृष्टि के संपूर्ण कार्य नियमबद्ध है नारद, तुम स्वयं भी इस सत्य को भली भांति जानते हो। जानता तो हूँ देवी, परंतु देवराज इंद्र की दशा। चिंता न करो नारद, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। वो वनवासी जल लेकर अभी तक नहीं लौटा। हाँ, उसे यहाँ से गए हुए कितना समय व्यतीत हो गया। चलो देवी, उधर चलकर देखते हैं। आओ। देवेंद्र, आप यहाँ? हाँ वरुण देव, जल के बिना प्राण व्याकुल हो रहे हैं। हम कब तक कष्ट पाते रहेंगे देवेंद्र? नारायण 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 नारायण। कहिए देवेंद्र, कैसे हैं? पधारे देव, सब कुशल मंगल तो है ना? देवर्षि, पीड़ित मर्म स्थल को और पीड़ित क्यों करते हैं? न कुशल है न मंगल है, केवल कष्ट और विषाद है। वो भी देख रहा हूं। आप केवल देखते ही रहेंगे या कुछ उपाय भी बताएंगे? आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारे कष्टों का निवारण कैसे होगा देवर्षि? इस दशा से तो नारायण ही आपको मुक्त करा सकते हैं। आप सब वैकुंठ क्यों नहीं चले जाते? कैसे जाएं देवर्षि? अगर राजा बलि ने या उनके सैनिकों ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो शस्त्र भी नहीं है। हाँ, समस्या तो विकट है। फिर तो एक ही उपाय शेष रह जाता है। कहिए देवर्षि, वो उपाय क्या है? नारायण की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करें। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, उत्तम उपाय बताए गए हैं देवेंद्र, आप सभी को नारायण का स्मरण करना चाहिए। हे नारायण, हे भगवंत विष्णु, हे भगवती के कृपा पात्र, आप मां भुवनेश्वरी की आज्ञा से जगत का पालन करते हैं। परात्पर ब्रह्म के स्वरूप में आप वहां विराजमान हैं। सर्वत्र व्यापक ब्रह्म भी आप ही हैं। जिस आदि स्वरूप को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जो सब निर्देशों से परे है, वो भी आप ही हैं। हे भगवान विष्णु, आप यज्ञ के स्वामी हैं तथा यज्ञ रूप ही हैं। कोई पर ब्रह्म रूप से आपको प्राप्त करना चाहता है तो कोई विष्णु रूप से। विष्णु में ही स्थित मानते हैं। आपकी शरण में आया हुआ भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। हे महाप्रभु, कष्ट निवारण के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वव्यापी विष्णुदेव, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हे महाप्रभु, आप हमारे कष्टों के अंधकार में सूर्य के समान प्रकट होकर हमें आलोकित करें। हम जिन विपदाओं से घिर गए हैं, वे आपकी कृपा से ही दूर हो सकती हैं। आप और केवल आप ही हमें वर्तमान स्थिति से मुक्त कर सकते हैं। हमें क्षमा करें महाप्रभु, और इस दारुण स्थिति से उभारें।
हे देवेंद्र, अपने उत्थान पतन के लिए मनुष्य अथवा देव स्वयं ही उत्तरदायी है। किया हुआ कर्म छूटे हुए तीर की भांति है। तुमने कपट से राजा बलि का राज्य हरण कर लिया तो तुम्हारा स्वर्ग भी हरण हो गया। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वही तुम भोग रहे हो। अन्य देवगण भी तुम्हारे दुष्कर्म में तुम्हारे साथ थे, तो उन्हें भी परिणाम भोगना पड़ रहा है। वो तो हम भोग चुके हैं महाप्रभु, अब ये बताइए कि इसका अंत कब और कैसे होगा? मेरे वामन अवतार लेने पर ही तुम्हारी मुक्ति होगी। हे ऋषि विष्णु, जब देवताओं की माता आदिति से अपने पुत्रों का दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि से उनका उद्धार करने को कहा। मुनि ने उपाय बताया कि श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत करो। तो श्री भगवान विष्णु ने अदिति को दर्शन देकर कहा कि अदिति के पुत्र के रूप में वो वामन अवतार लेकर देवताओं को मुक्त करेंगे। तो श्रोतागणों, श्री भगवान विष्णु ने भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन वामन अवतार लिया। छोटी छोटे हाथ पांव, गोल मटोल शरीर, चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। जब वे 7 वर्ष के हुए तो गुरु बृहस्पति ने उनका उपनयन संस्कार किया। सूर्यदेव ने गायत्री मंत्र सुनाया। उसके पश्चात पिता कश्यप मुनि ने वेद आदि का अध्ययन कराकर महाज्ञानी बनाया। उस समय स्वर्गाधिपति बन बैठे राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे भृगु कक्ष में अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर रहे थे। इस यज्ञ की अधिदेव गुरुवर शुक्राचार्य थे। हरि ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह तं आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं। हरि ओम तत्सत। पधारिये ब्राह्मण देवता, आपके चरणों की पवित्रता से यह स्थान और यह यज्ञ भी पवित्र हुआ। हे राजन, मैं यहाँ तुम्हारी कीर्ति सुनकर आया हूँ। सुना है तुम दानवीर हो, और कहा यह भी जाता है कि तुम्हारे दादाश्री भक्त प्रहलाद सद्गुणी और दानवीर थे। वही समस्त गुण तुम में भी विद्यमान है। आपके अमृत वचन सुनकर मैं धन्य हो गया ब्राह्मण देवता। कहा तो ये भी जाता है कि यज्ञ में दान का विशेष महत्व होता है। अतः हे वामन देव, आप आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए? कृपया सुनिए राजन, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कहिए गुरुवर। दया, धर्म और दान का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे स्वयं के अर्थ, काम, यश में कोई बाधा उपस्थित ना हो। गुरुवर, इतने विराट सत्य को आप रहस्यमय और गुप्त विधि से क्यों प्रकट कर रहे हैं? वो इसलिए राजन क्योंकि आपको सावधान करना अति आवश्यक है। तनिक सी भी असावधानी, भाग्य और समय दोनों में अमूल परिवर्तन ला सकती है। आप तो अधिक से अधिक तुम रहस्यमय होते जा रहे हैं गुरुदेव, कृपया आप अपना मंतव्य स्पष्ट करें। तो सुनो राजन, वामन के रूप में ये ब्राह्मण देवता कोई और नहीं, स्वयं विष्णु हैं। धन्य हो गया मैं, भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में स्वयं विष्णु भगवान यहां पधारे हैं। ये रूप धारण करना अवश्य मेरे हित में ही होगा। आपके हित में होगा, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? गुरुवर, मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र हूं और भक्त प्रहलाद की रक्षा
और हित के कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लिया था। और इतना तो मुझे अनुभव है कि जब जब भगवान अपने मूल रूप को त्याग कर कोई अन्य रूप धारण करते हैं तो अवश्य लोक कल्याण के निमित्त ही होता है। सत्य है राजन, सत्य है, परंतु इसके उपरांत भी आपको सचेत रहना होगा। आप चिंता ना करें गुरुवर, वावन रूप है उनका, वो अधिक से अधिक क्या मांगेंगे, उनकी इच्छा संतुष्ट करने योग्य मेरी सामर्थ्य है। मैं भक्त प्रहलाद का पौत्र हूं जिन पर भगवान विष्णु की कृपा हो चुकी है, अब मैं वचन देकर पीछे तो नहीं हट सकता। आइए संकल्प कर उनकी इच्छा पूर्ण करें गुरुवर। ब्रह्मदेव, इस जल पात्र में यज्ञ का पवित्र जल भर दीजिए, मैं दान का संकल्प करूंगा। महामांगल्य प्रदे मासोत्तमे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथौ वार सोमवासरे वामनजी प्रीतर्थ दान संकल्पम अहम करिष्ये। अरे जलपात्र से जल क्यों नहीं गिरता? वावन जी प्रत्यर्थे दान संकल्पम हम करिष्ये। राजन, मुझे केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए। निरीह बालक बुद्धि है, मांगा भी तो क्या, 3 पग पृथ्वी? इतने छोटे तन के लिए 3 पग पृथ्वी पर्याप्त है। हे बाल ब्रह्मदेवता, निसंकोच होकर मांगो। धन संपदा गृह गजधन गौधन वाजिधन, जो आपकी इच्छा हो वो मांग लो बालक। राजन, संतोषी नर सदा सुखी, आप केवल मुझे 3 पग पृथ्वी दो। संतोषी गुण अवश्य प्रशंसा योग्य है, किंतु ब्रह्म बालक, एक राजा की गरिमा और उनकी प्रतिष्ठा पर विचार करो बालक। आपकी प्रतिष्ठा किसी प्रकार भी कम नहीं होगी राजन, केवल आप मुझे 3 पग पृथ्वी प्रदान करो। जैसी आपकी इच्छा, भर लो 3 पग ब्रह्म बालक। मेरे 2 पगों में चतुर्दश ब्रह्मांड और अंतरिक्ष आ गया है, बताओ 3रा पग कहाँ रखूं? गुरुवर शुक्राचार्य ने मुझसे कहा था कि आप साक्षात विष्णु भगवान हैं और मुझे छलने के लिए आए हैं। प्रभु, आपके द्वारा छले जाने से मैं धन्य हो गया, और आपने ये भी कहा था कि मेरी प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार कम नहीं होगी। वैसा ही हुआ प्रभु, आपको मेरा सर्वस्व दान देकर मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई है, और जो मुझे प्राप्त हुआ है वो आज तक किसी और को नहीं प्राप्त हुआ होगा। भगवान, अब आप अपना 3रा पग मेरे माथे पर रखें। राजन,
प्रभु, वेद शास्त्र कहते हैं प्रभु के दर्शन लाभ के निमित्त होते हैं। सत्य है राजन, तुम्हें जिस लाभ की इच्छा है मांग लो। मैं समझ गया प्रभु, देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो इसीलिए आपने अपनी माया का प्रसार किया। ये देवगण मुझे शांति से जीवित रहने नहीं देंगे, इसलिए आप मेरे पाताल के महल में द्वारपाल बनकर मेरी रक्षा करें। चतुर हो राजन, मुझे बांध लिया। तुमने अपने वचन का पालन किया है तो मुझे भी अवश्य ही करना होगा। तथास्तु। श्री वैकुंठनाथ पातालोक में राजा बलि के द्वारपाल? नारद, ये नहीं होगा। ऐसा हो चुका है महादेवी, प्रभु पाताल में द्वार पर द्वारपाल के कार्य में संलग्न हैं। ये त्रिदेव ऐसा क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी, भोलेनाथ और वैकुंठनाथ कभी भी किसी को भी कुछ भी वरदान दे डालते हैं और कालांतर में यही वरदान स्वयं के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं महादेवी। अरे महादेवी जो विवश हो चुकी है उसका विचार है किसी को? विचार करने से लाभ भी क्या होगा देवी, वैकुंठनाथ ने स्वयं ही ये वचन दिया है। भक्त की भक्ति के वश होकर भक्तों के हित की चिंता है तुम्हारे भगवान को, अपनी पत्नी की नहीं? प्रभु आपका भी चिंतन अवश्य करते होंगे। नारद, तुम केवल अपने प्रभु के ही पक्ष में बोलते हो, किंतु मैंने भी निर्णय कर लिया है। कैसा निर्णय महादेवी? मैं किसी भी उपाय से वैकुंठनाथ को पाताल लोक से लौटा लाऊंगी। हाँ हाँ, इस शुभ कार्य में मैं भी आपके साथ हूँ महादेवी। मुझे भी प्रभु के बिना कल कहाँ है।